18 साल की लड़की का गला काटकर कहा, मेरी नहीं हुई तो और किसी की भी नहीं होने दूंगा। वैशाली शर्मा की निर्मम हत्या करने के बाद आरोपी जगदीश बंजारा ने गुरुवार को अपना गुनाह कबूल किया। बुधवार को 18 साल की वैशाली शर्मा की दर्दनाक हत्या करने के बाद आरोपी जगदीश बंजारा ने गुरुवार को खामोशी तोड़ी। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन वो पूरे दिन चुप रहा, थोड़ा कुछ बोलता और खामोश हो जाता, लेकिन गुरुवार को उसने अपना गुनाह कबूल किया। अगरपुरा कॉलोनी में बुधवार दोपहर 12 बजे ये वारदात हुई, जिसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली 18 साल की वैशाली और उसके पिता पिंकेश शर्मा घर पर थे। विकलांग पिता घर में ऊपर की मंजिल पर थे और वैशाली नीचे की बालकनी में बाई के साथ कपड़े सुखाने के लिए आई थी। तभी पड़ोस में रहने वाला जगदीश अचानक से दीवार कूदकर अंदर घुस आया और उसने वैशाली के गर्दन पर हमला कर दिया, उसकी हत्या कर दी। इधर मृतिका के पिता पिंकेश ने बताया कि जगदीश और उसका भाई रमेश दोनों ही वैशाली को लंबे समय से परेशान कर रहे थे। इसकी शिकायत वैशाली ने घर में भी की थी। कॉलोनी वालों ने जगदीश के आए दिन उथम मचाने की शिकायत भी पुलिस को दी। परिजनों ने बताया कि वैशाली और जगदीश पहले से ही एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। अभी तक जांच में सामने आया है कि जगदीश एक तरफा प्यार में था, वैशाली को शायद ये पता था लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती थी। जगदीश का घर ठीक वैशाली के घर के सामने ही है, ऐसे में वो वैशाली को भी आते जाते देखता रहता था। उसे वैशाली का किसी दूसरों के साथ बात करना या फिर देखना पसंद नहीं आता था। हालांकि हत्या की ये वजह कहना अभी बस जल्दबाजी हो सकता है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, वो बार बार एक ही बात बड़बड़ा रहा है कि मेरी नहीं हुई तो और किसी की भी नहीं होने दूंगा। इधर घटना के दूसरे दिन बाद भी जगदीश के भाई और माता पिता को पुलिस ढूंढ रही है। वारदात के बाद से आरोपी के परिजन फरार है। आरोपी जगदीश का घर वैशाली के घर के ठीक सामने ही है। वैशाली की हत्या के दिन भी गुस्साए कुछ लोगों ने जगदीश के घर के बाहर जाकर हंगामा किया, जिन्हें पुलिस ने समझाइश कर लौटा दिया। ऐसे में गुस्साए क्षेत्रवासी जगदीश के सुने घर को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए दिन भर पुलिस के साथ जवान घर के बाहर ही पहरा दे रहे थे। हालांकि इलाके के कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर घर से सामान निकाल कर आरोपी के परिजनों तक पहुँचाने के भी आरोप लगाए हैं।